सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। सफलता के सपने मत देखो, सफलता के लिए मेहनत करो। हमेशा अपने आप में भरोसा रखें और कभी भी मेहनत करना और आगे बढ़ना बंद ना करें। अगर आप किसी परीक्षा में असफल होते हैं तो इसका मतलब जीवन का अंत नहीं है। इसका सीधा सा मतलब है कि आपको पिछली बार की तुलना में थोड़ा अधिक प्रयास करना होगा। जो झुकता नहीं वह टूट जाता है, इसलिए हमेशा अहंकार से दूर रहें। आज का पंचांग 14 मई 2023 दिन रविवार, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि रात्रि 2:46 तक रहेगी। इसके उपरांत एकादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। सद्भीसा नामक नक्षत्र सुबह 10:16 तक रहेगी। इसके उपरांत पूर्व भाद्रपदा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय शाम 5:13 से 6:52 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुबह 11:49 से 12:42 तक रहेगा। आज चंद्रमा कुंभ राशि पर रात्रि 3:24 तक रहेगी। इसके उपरांत मीन राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य मेष राशि पर रहेंगे। मिथुन राशि 14 मई 2023 दिन रविवार, घर और रिश्ते से संबंधित चिंताओं की उदासी के कारण कुछ समय विचार करने के लिए निकालें। अपने विचारों और सपनों को शब्दों तस्वीरों और या गाने में व्यक्त करें। स्वस्थ होने के लिए समय निकालें ताकि आने वाले दिनों में आप एक नई शुरुआत के लिए तैयार रहें। आप अपने दैनिक जीवन से फुर्सत के कुछ पल निकालना चाहेंगे। काम और जिम्मेदारियों को अच्छी तरह से पूरा करेंगे। दैनिक दिनचर्या की उदासीन भावना को दूर करने के लिए प्रयास करें। उदासी से बचने के लिए अपने संबंध के कार्य करें, पसंद के कार्य करें। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वो विश्वास करता है वैसा ही वह बन जाता है। इस राशि वालों के लिए दिन बहुत अच्छा भी है। आप में उमंग रहेगी, एनर्जेटिक महसूस करेंगे। नजदीकी रिश्तेदारों से मुलाकात का मौका मिलेगा। राजनीतिक लोगों से फायदा मिल सकता है। आर्थिक स्थिरता प्राप्त करने की कोशिश सफल हो सकती है। पैसों की चिंता दूर होने से अन्य पहलुओं पर ध्यान देते हुए खुद के सपनों को साकार कर पाएंगे। जीवन में आया हुआ बदलाव मन को प्रशंसा देगा। व्यापार से जुड़े लोगों को विस्तार का मौका प्राप्त होगा। इसका पूरा फायदा उठाने की कोशिश करें। पुराने रिश्तों से निकलकर नए रिलेशनशिप पर ध्यान देने की कोशिश करें। सेहत में सुधार नजर आएगा। सावधानियां, किसी की मदद करने के साथ बजट का भी ध्यान रखें। लेन देन के मामलों में नुकसान की आशंका है। माता पिता आपकी किसी बात से नाराज हो सकते हैं। मेहमानों के आने से खर्चा बढ़ सकता है। बात करते हैं लव लाइफ की। परिवार के मामलों में मदद करें। अपोजिट जेंडर वाले दोस्त से मुलाकात हो सकती है। पुरानी यादें ताजा होगी। आज आप अपने भाई बहन साला साली या किसी सहकर्मी से मुलाकात करके उसका मार्गदर्शन कर सकते हैं। अपने लव लाइफ के बारे में कोई खास निर्णय लेंगे। प्रेमी युगलों के लिए आने वाले दिन अच्छे रहेंगे। अपने शौक को नजरअंदाज ना करें। आप खुश रहेंगे तभी अपने साथी को भी खुश रख सकेंगे। आज खुद को खुश रखने की भरपूर कोशिश करें क्योंकि व्यस्तता के कारण आपको उत्साह कम हो सकता है। खुद और अपने पार्टनर के लिए दिन को खुशनुमा बनाएं। इससे आपका रोमांटिक रिश्ता और भी अनोखा बनेगा। किसी के प्रति आकर्षित हैं तो अपने प्यार को व्यक्त करने के लिए आज का समय सबसे शुभ है। बात करते हैं करियर की। व्यावसायिक परेशानी के कारण आज काम में कुछ अस्पष्टता हो सकती है। अपने चाहने वाले की सलाहों की सुनवाई करें और भावनाओं को भी व्यक्त करें। घरेलू काम जैसे टूटी हुई खिड़कियां या लीक नल को ठीक करना भी आज आपकी प्राथमिकता है। एक विजेता की तरह सोचें, अपने कौशल को पॉलिश करें। रोज की दिनचर्या आपको बोर कर रही है, इसलिए कुछ समय निकालकर अपनी पसंद के कार्य करें। अपने कार्य क्षेत्र पर आपको हमेशा की तरह ही प्रशंसा मिलेगी। और तरक्की की भी संभावना है।
यह दिन आपके लिए निराशाजनक सिद्ध हो सकता है, लेकिन धैर्य रखें। याद रखें कि कल्पनाओं के बिना हम भावनाओं के उत्साह को खो सकते हैं। बात करते हैं सेहत की। ब्लड प्रेशर, डायबिटीज या कोई बीमारी हो तो उसके जांच करवाएं। लापरवाही से समस्या बढ़ सकती है। सेहत में सुधार नजर आएगा। आज का उपाय, बरगद के पत्ते पर अपनी मनोकामना लिखकर बहते हुए पानी में बहा दें। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।